Hello guys, welcome back again to your own YouTube channel. So this is the prediction video for your 6th January IELTS exam. तो अगर आपका भी exam है उस दिन, make sure कि आप इस video को last तक जरूर देखिएगा. I will mention some important reading passages and task 2 statements, जिसमें से आपको exam देखने को मिल सकता है. 16 December को जो writing task 2 आया था, वो मेरे prediction video में से था. Exact statement मैंने आपको दे रखी थी. So let's see कि इस बार आपको क्या repeat होते हुए देखने को मिल सकता है. टास्क वन की बात करूं तो आपको टेबल चार्ट या मैप में से एक आने के हाई चांसेस हैं. सो मेक श्योर कि आप इनके स्ट्रक्चर को अच्छे से देखकर जाइएगा. ऐसे राइटिंग की बात करें तो एग्री डिसएग्री टाइप क्वेश्चन आपकी मेन प्रायोरिटी होने चाहिए. इसमें से जो आपने टॉपिक्स कवर करने हैं, इसमें आपके टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड वर्क रिलेटेड क्वेश्चन मेन रहेंगे. इसमें से भी आपका जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टेटमेंट है उसके आने के चांसेस ज्यादा हैं. सो दीज आर द पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस जो कि हर साल रिपीट होते हैं. जो ये मैंने 4-5 क्वेश्चन स्टार्टिंग में मेंशन किए हैं, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये हर साल आपको देखने को जरूर मिलते हैं. सो होपफुली इसमें से आपको एक नए क्वेश्चन देखने को मिल जाए. अगर आपको इनके आइडियाज ढूंढने में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज करिए. दोनों का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है. आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मुझे कॉन्टैक्ट करने में. सो आपको किसी भी तरह के यूट्यूबर या इंस्टाग्राम पेज से कोई भी प्रेडिक्शन बाय करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सबके पास वही पास एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं और किसी के पास भी आईडीपी ने तो डायरेक्टली उनको क्वेश्चन दिए नहीं होते. तो ये गारंटी जो बोलते हैं कि 100% करेक्ट प्रेडिक्शन, इट इज जस्ट अ प्लेन लाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. अगर पास्ट एग्जाम में से वो रिपीट करते हैं क्वेश्चन तभी इनमें से आएगा. अगर कोई फ्रेश क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया तो चांस ही नहीं है कि उसमें से आ जाए. आप देख लीजिए पास्ट एग्जाम में उनके प्रेडिक्शंस कि क्या पिछले एग्जाम में भी नहीं आया होगा, बिकॉज दे वर ऑल न्यू क्वेश्चन. सिर्फ अंडरिंग और इमोशंस वाला जो पैसेज आया था वही रिपीट हुआ था और वो भी रेडिली अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, आपको मिल जाएगा इजिली. सो मेक श्योर कि आपने कोई भी अपने पैसे वेस्ट नहीं करने हैं. यू नीड एनी काइंड ऑफ मटीरियल, यू कैन गेट इट फ्रॉम मी फ्री ऑफ कॉस्ट. मैंने सारे सैम्पल आंसर बना रखे हैं राइटिंग टास्क 2 के, टास्क 1 के, और रीडिंग पैसेजेस भी मेरे पास अवेलेबल हैं जो भी पास्ट एग्जाम्स में आ चुके हैं. तो मेक श्योर कि आपने प्रिडिक्शन बाय नहीं करनी है किसी से. और एक बात और, प्रिडिक्शन पे आपने डिपेंडेंट भी नहीं होना है. जरूरी नहीं है कि प्रिडिक्शन में से टॉपिक आएगा ही, आपको बेसिक आइडिया हर तरह के क्वेश्चन का होना चाहिए ताकि आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए अच्छे से कंपाइल कर पाए. बात करें आपके रीडिंग मॉड्यूल की तो इट विल बी नाइदर हार्ड नॉर ईजी. सो आपको एवरेज लेवल ऑफ रीडिंग देखने को मिलेगी, जिसमें आपको पैसेज 3 में समरी टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. ठीक है, यस नो नॉट गिवन तो आपका आएगा ही. और पैसेज 2 की बात करें तो आपको पैरा कंटेन्स इन्फॉर्मेशन, ब्लैंक्स एंड मैचिंग द रिसर्चर टाइप क्वेश्चन. पैसेज 1 इज द इजीएस्ट, इसमें आपको ट्रू फॉल्स एंड ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे. दीज आर द इम्पॉर्टेंट पैसेजेस जो कि रिपीट हो सकते हैं. इसमें आपके जो मैंने स्टार्टिंग में लिखे हैं, डर्टी रिवर, क्लीन वाटर, एम्बरगेस, क्लिपरेसेस, रेन मेकर, हेल्थ इन द वाइल्ड, म्यूजिकल मेलोडीज, ये कुछ इंपॉर्टेंट पैसेजेस हैं जो आईडीपी रिपीट करता ही रहता है. सो मेक श्योर कि आप इनको प्रैक्टिस जरूर करिएगा. एंड दीज आर द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स. अगर आपके पास टाइम हुआ तो आप जरूर एक बार इनको देखिएगा. वैसे तो अभी काफी टाइम है आपके एग्जाम में, तो आप आई होप कि कर लेंगे इनको प्रैक्टिस. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट रीडिंग पैसेजेस जिसमें से आपको हो सकता है कि रीडिंग रिपीट होते हुए देखने को मिल जाए. लिसनिंग मॉड्यूल की बात करूँ तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी. आपको मैप देखने को मिलेगा पार्ट 2 के अंदर. फ्लुएंसी रहेगी पार्ट 3 में, जो आपके लॉन्ग एमसीक्यूज होते हैं एंड मैचिंग टाइप क्वेश्चन. सो मेक श्योर कि जब भी आप प्रैक्टिस करें तो 1.25 की स्पीड पे करें. एंड दीज आर द लिसनिंग्स जिसमें से आपको सेक्शन रिपीट होते हुए देखने को मिल सकते हैं. इसमें से आपका दुरहम काउंटी कार शो, कार रेंटल इंक्वायरी, ये कुछ इंपॉर्टेंट लिसनिंग्स हैं. और ये लिसनिंग आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएंगी. लिसनिंग वाला चैनल जो मैंने अलग से बना रखा है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. लिसनिंग फॉर आयल्स, ये आपका चैनल का नेम है. यहाँ पे मैं डेली बेसिस के ऊपर पास्ट एग्जाम में जो लिसनिंग सेक्शन आए होते हैं वो मैं अपलोड करता हूँ. तो आप इसको प्रैक्टिस करें. दीज आर एग्जैक्ट एग्जाम लेवल लिसनिंग्स. एंड जिस भी स्टूडेंट को मेरा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है, आपके बैंड नहीं आ रहे हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. आप एनरोल कर सकते हैं. जल्दी मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ. आप मेरे रिजल्ट्स इंस्टाग्राम पेज के ऊपर देखें. स्टूडेंट्स आर गेटिंग 7.5-8 बैंड्स इन रीडिंग लिसनिंग और बहुत सारे स्टूडेंट्स के हैं ये रिजल्ट. आई कैन अश्योर यू कि विद इन 1 month मैं आपकी इम्प्रूवमेंट जरूर कर दूंगा. अगर आपके 5.5 बैंड्स आ रहे हैं, आपको मैं मिनिमम 6.5 बैंड्स तक ले आऊँगा. आई कैन अश्योर यू दैट. सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन कॉन्टैक्ट मी
सो जिसको जो भी परेशानी आती है आईएलटीएस के अंदर दे कैन लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू ऑन दैट। और प्लीज़ बी वाइज, आपको कोई भी पैसे वेस्ट नहीं करने हैं अपने पेरेंट्स के प्रेडिक्शन बाय करने के ऊपर, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ पॉसिबिलिटी, गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होती है। सो जो भी यूट्यूबर आपको गारंटी दे रहा है मीन्स ही और शी इज़ लाइंग, ऐसा कोई भी चांस ही नहीं है कि आपको कोई गारंटी से बोल दे कि उसमें से आएगा ही आएगा, बिकॉज जो लोग गारंटी देते हैं वो आपको पता है कि वो कितना चार्ज करते हैं, अराउंड 1,75,000, जिनके पास एक्चुअल में लीक मटेरियल होता है। सो बी वाइज, आपको किसी भी तरह के फेक स्कैमर्स ऑन इंस्टाग्राम पेजेस, आपको उनके ट्रैप में नहीं फंसना है। जो भी आपको परेशानी होती है यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी और मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। सो शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको पता लगे। अगर आपका एग्ज़ाम है एक मंथ के बाद, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप ये जो PDF मेरे पास हैं उनमें से प्रैक्टिस करें, इनमें से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एग्ज़ाम के। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकॉन एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।